दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस की फरीदाबाद और गुरुग्राम लोकसभा कार्यकर्ता विधायक और पूर्व विधायकों की बैठक हुई है। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा वासियों ने पहले चरण में बहुत मान सम्मान दिया, दूसरे चरण में सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भारत जोड़ो यात्रा में अब तक कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली महाराष्ट्र की 2 लाख लोगों की हुई थी। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा में दोबारा आएगी और उसके लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कई जगह हरियाणा में भी गए, लेकिन आज दिल्ली में सर एक बड़ी मीटिंग हुई एमपी साहब, और जिस तरह की जो तैयारियां हैं, किस तरह की उम्मीद कर रहे हो, किस तरह का रिस्पांस है एमपी साहब, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? अच्छा विनोद जी, जबरदस्त लोगों का साथ समर्थन, हम धन्यवाद करते हैं सभी फरीदाबाद वासियों का, गुड़गांव वासियों और मेवात वासियों का। पहले चरण में जो 3 जिले कवर हुए और हरियाणा वासियों ने इतना जो मान सम्मान और अभूतपूर्व स्वागत किया, अब दूसरे चरण में मैं समझता हूँ कि आज जो पानीपत के अंदर रैली होगी वो ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, 6 को पानीपत के अंदर 6 जनवरी को आप सबका उसमें हम निमंत्रण देते हैं, न्योता देते हैं, और उसके बाद पानीपत के बाद 7 तारीख को करनाल में चलेंगे, 8 तारीख को कुरुक्षेत्र में चलेंगे, 9 को भी लगभग कुरुक्षेत्र में, और 10 तारीख को अम्बाला होते हुए राहुल जी पंजाब निकल जाएंगे। तो ये हरियाणा के अंदर दूसरा चरण भी पहले चरण की तरह अभूतपूर्व रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, अब कितनी जगह जिलों में गए हो, किस तरह का जो रिस्पांस दिख रहा है? 3 दिन रैली हमने देखी, कवर भी की, जिस तरह से भीड़ हुई, आप पानीपत में कह रहे हो कि रिकॉर्ड टूटेगा, 5 दिन का लंबा चंक है, किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे आप पुराने वाले जोश को? मेंटेन है ये जोश तो हम केवल ही 5 दिन ही मेंटेन कर रहे हैं, ये तो जो जोश है ये हम तो सरकार को बदलने तक मेंटेन करेंगे। किस तरह से इसे कन्वर्ट करने की आप जो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं? ये जी मैंने जो कहा वो सही बात है कि लोगों का हरियाणा में मन बदल चुका है, हरियाणा में लोगों का मन बन चुका है। बीजेपी की और जेजेपी की सरकार, जिस सरकार में देश में सबसे ज़्यादा आज बेरोजगारी हरियाणा में है, आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया इस सरकार में, आज गरीब की सारी योजनाएँ बंद की जा रही हैं, आज भ्रष्टाचार निगमों से लेकर और मंत्रालयों तक भ्रष्टाचार की गूंज, जेजेपी और बीजेपी वालों ने ऐसे मंत्रालय बांट दिए एक दूसरे के जो है बंदर बांट करके, और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए प्रदेश को। विकास किसी गांव और शहर में, विकास की सारी प्रक्रिया ठप पड़ी है। ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ देख रहे हैं, 10 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल था उसको याद करते हैं जो हरियाणा में विकास का कार्यकाल माना जाता है। इतनी भीड़ आप कह रहे हैं, कितना टारगेट लेके चल? अभी तक शेगांव के अंदर जो सबसे बड़ी रैली हुई भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में, उसमें 2 लाख बता रहे हैं, हमने उससे ज़्यादा की तैयारी करा रहे हैं। हम हरियाणा पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ेगा, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, अभी कोई अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि कितने लोग आएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो रैली होगी पानीपत में वो रिकॉर्ड तोड़ेगी, और तमाम जो मुद्दे हैं हरियाणा से जुड़े हुए उस पर भी बातचीत करते नजर आए, और कहीं ना कहीं सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए, और ये भी दावा कर दिया कि जो महाराष्ट्र में रैली हुई थी उससे भी बड़ी रैली के साथ हरियाणा भारत जोड़ो यात्रा में पानीपत में तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।